क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपको बता दें, ये सुगबुगाहट सियासी गलियारों में लोकसभा चुनाव के दौरान से ही लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया था। दूसरी लिस्ट में भी तमाम तरह के नाम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल नहीं था। कई सांसदों के टिकट इस बार काट दिए गए थे। बीजेपी की पहले लिस्ट में केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल नहीं था और इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह को सपा से टिकट मिलने की चर्चाएं लगातार तेज हो गई थी। अब जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह केसरगंज की सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं, तो उपचुनाव में अब लगातार चर्चाएं करी जा रही हैं कि सपा से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिल सकता है। और अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रियाएं भी इस पर कहीं ना कहीं सामने आई हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने का सवाल पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी करनी है तो। अखिलेश यादव ने मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी सांसद उनके संपर्क में नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम उन्हें टिकट जरूर देंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम पत्रकार महोदय की बात भी मान लेंगे। वहीं बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं था, लेकिन पार्टी ने केसरगंज लोकसभा सीट से किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया था। वहीं आपको बता दें, उसके बाद आखिरी लिस्ट में उनके बेटे करण भूषण सिंह का नाम चुनावी मैदान में लिया गया। करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में उतरे और अब बतौर सांसद शपथ भी कहीं ना कहीं ले चुके हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की शामिल हो सकते हैं या नहीं? क्या सपा ब्रजभूषण को टिकट देगी या क्या डिंपल यादव जो लगातार और अखिलेश यादव जो इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्या ये प्रतिक्रियाएं आने वाले समय में सच साबित होती नजर आएंगी या नहीं? ये बड़ा सवाल लगातार दागा जा रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प है, आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह क्या सच में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे, उपचुनाव में बीजेपी को बगावत देंगे या नहीं।